के अंदर जो हमारी निर्यात की स्थिति थी, इतना बड़ा प्रदेश, भारत की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है, लेकिन निर्यात हमारा कितना था? 3.77% 2016-17 में। कैसे हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ होगी? केवल 3.77% का निर्यात था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सरकार की कार्य पद्धति और कार्य की पारदर्शिता और ईमानदारी का परिणाम है, आज यह बढ़कर के 28.18% हुआ है। हम लोगों ने 18-19 में 1,14,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रदेश से किया है, और साथ ही साथ 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि एक वर्ष में प्रदेश ने हासिल की, और देश के अंदर निर्यात करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर आ गया है, यानी इसके साथ ही उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में नंबर एक पर आया है। निवेश और रोजगार में भी प्रदेश के अंदर अच्छे कार्य हुए। अगर हम 2016-17 की तुलना में 2018-19 में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को देखें तो हमारा 1,16,000 करोड़ रुपए का निवेश इस दौरान प्रदेश के अंदर हुआ इस सार्वजनिक क्षेत्र में, और साथ ही साथ रोजगार सृजन की दिशा भी अगर हम देखेंगे तो यह काफ़ी इसमें वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र में 16-17 में कुल 23,000 करोड़ रुपये व 18-19 में 50,000 करोड़ रुपये का हुआ है, और रोजगार सृजन भी 16 लाख से बढ़कर के 28 लाख हुआ है। रोजगार 28 लाख लोगों को इस निवेश के माध्यम से रोजगार की सुविधा भी इसमें प्राप्त हुई। महोदय, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, खासतौर पर यूपी स्किल मिशन के माध्यम से प्रदेश के अंदर 1,71,036 लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई, उनका सेवायोजित यानी उनका प्लेसमेंट हुआ, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो हमारे आदरणीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 24 जनवरी 2018 से प्रारंभ किया, 24 जनवरी 2018 को हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया, और मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना में का शुभारंभ हम लोगों ने अपने महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से प्रारंभ किया, और इस समिट के माध्यम से हम लोगों ने 4,095 लाभार्थियों को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया।